हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योति गर्ग स्वागत करती हूँ आप सबका गर्ग ट्यूशन पॉइंट में। आज की इस वीडियो में मैं एक्सेल कराऊंगी आपको कि एक्सेल में चार्ट्स क्या होते हैं, उनके एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, उनको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैसे हम एक्सेल में चार्ट्स क्रिएट करते हैं, उन पर वर्क करते हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोज को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। देखिए, अपने डेटा को जब हम एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम चार्ट का यूज करते हैं। चार्ट की हेल्प से हम अपने डेटा को एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो कर देते हैं, और जब हम किसी चीज को ग्राफिक में शो करते हैं तो उस वक्त हम यूज करते हैं एक्सेल में चार्ट का। हम एक्सेल में चार्ट की हेल्प से जब हम किसी टॉपिक को, किसी डेटा को चार्ट की हेल्प से समझते हैं तो इजीली उस डेटा को हम समझ पाते हैं। कोई भी अननोन पर्सन जो हमारा डेटा से अवेयर नहीं है, वो भी अगर उस चार्ट को देखता है तो इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं चार्ट, हम इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं चार्ट, इस वजह से डेटा को इजीली समझ पाते हैं। अब बात करते हैं हम एलिमेंट्स की, और हम इन एलिमेंट्स को पिक्टोरियल फॉर्म में देखेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ कंप्यूटर पर किसके एलिमेंट कौन कौन से हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। तो आइए देखते हैं। बात करते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ अ चार्ट की। तो सबसे पहला एलिमेंट है हमारा एमएस एक्सेल के चार्ट में, वो है हमारा डेटा सीरीज। डेटा सीरीज क्या होता है? द डेटा सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वैल्यूज लाइक ऑल डेटा वैल्यूज इन अ रो और अ कॉलम ऑफ द डेटा शीट। इसका मतलब क्या होता है? एक रो या फिर एक कॉलम में जितने भी आपके डेटा हैं वो कहलाते हैं हमारे डेटा सीरीज। देखिए, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। देखिए, ये हमारी एक टेबल है, तो इसमें जैसे यूवी नाम का, ये यूवी नाम का जो पूरी एक रो है, या फिर आप मैथ या साइंस, इस तरह से एक कॉलम में जितना भी डेटा है ये कहलाता है आपका डेटा सीरीज। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा एलिमेंट है चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल हमें क्या बताता है? ये हमें एक आइडिया देता है कि चार्ट किसका होगा। चार्ट का टाइटल हमें ये बताएगा ताकि उसे पढ़कर हमें ये पता चल जाए कि एक्चुअल में चार्ट किसके बारे में है। तो द चार्ट टाइटल गिव्स एन आइडिया अबाउट द टॉपिक ऑफ द चार्ट। देखिए, ये है हमारा मार्क्स कंपैरिजन। ये क्या है? हमारा चार्ट का टाइटल। इसे पढ़ के हमें पता चल रहा है कि ये चार्ट किसका है जिसमें हमने मार्क्स के कंपैरिजन किया हुआ है। अब हमारा है नेक्स्ट एलिमेंट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्या शो करता है? वैल्यू ऑफ प्लॉटेड डेटा पॉइंट्स। जो आपने चार्ट में डेटा आइटम, डेटा पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, उनकी वैल्यूज क्या है। और वाई एक्सिस को हम वैल्यू एक्सिस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है डेटा पॉइंट्स की। देखिए, इधर जो 120, 100, 80, 60, 40, 20 ये लिखा हुआ है, ये हमारा, ये एरिया है हमारा वाई एक्सिस। ये हमें बता रहा है कि कौन कौन सी वैल्यूज प्लॉटेड हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो वाई एक्सिस समझ में आया। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस शो करता है द कैटेगरी ऑफ द प्लॉटेड डेटा पॉइंट्स, कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो डेटा पॉइंट्स की प्लॉट हुई है, और इसके कैटेगरी ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट करता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं हम कैटेगरी एक्सिस। ए कैटेगरी एक्सिस बिकम्स अ टाइम स्केल एक्सिस व्हेन द एक्सिस टाइप इज सेट टू डेट और टाइम एक्सिस। क्या कह रहे हैं? कैटेगरी एक्सिस एक टाइम स्केल एक्सिस में चेंज हो जाती है अगर हम एक्सिस का टाइप डेट या फिर टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर जो मैथ, साइंस, इंग्लिश लिखा हुआ है, ये है हमारा एक्स एक्सिस, जो बता रहा है कि कौन सी कैटेगरीज में रिप्रेजेंट हुआ है हमारा डेटा पॉइंट्स। तो ये तीनों है हमारी एक्स एक्सिस। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की। नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज लीजेंड। लीजेंड्स क्या होते हैं?
लीजेंस आर यूज टू रिप्रेजेंट द डेटा सीरीज। ये रिप्रेजेंट करते हैं कि डेटा सीरीज कौन सी है। ये एसोसिएटेड होते हैं जो पैटर्न या फिर कलर होते हैं उनसे। देखिए इस एग्जांपल में ईशी, यूवी, चारू, शालिनी जो ये नीचे नाम लिखे हुए हैं ये हमारे लीजेंट। इसका मतलब ग्रीन कलर जो ये ब्लू कलर आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ईशी के मार्क्स को। ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट कर रहा है यूवी के मार्क्स को। ग्रे कलर रिप्रेजेंट कर रहा है चारू के मार्क्स को। एंड येलो कलर रिप्रेजेंट कर रहा है शालिनी के मार्क्स को। तो लीजेंट्स क्या होते हैं? ये पैटर्न्स और कलर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं डेटा पॉइंट्स को। तो आई होप आपको एलिमेंट्स ऑफ अ चार्ट समझ में आ गए होंगे। एलिमेंट्स ऑफ चार्ट, फर्स्ट एलिमेंट है हमारा डेटा सीरीज जो ग्रुप ऑफ वैल्यूज लाइक ऑल डेटा वैल्यूज इन अ रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा चार्ट टाइटल जो हमें एक आइडिया देता है कि टॉपिक क्या है चार्ट का। थर्ड है हमारा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस शो करता है कि कौन से डेटा पॉइंट्स को प्लॉट किया गया है, इसे हम वैल्यू एक्सिस भी कहते हैं। फोर्थ है हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को हम कैटेगरी एक्सिस भी बोलते हैं क्योंकि ये कैटेगरीज को प्लॉट करता है कि डाटा पॉइंट्स की कौन कौन सी कैटेगरीज प्लॉट की गई है। अगर हम इसकी कैटेगरीज को डेट और टाइम में चेंज कर देते हैं तो ये टाइम स्केल एक्सिस भी कहलाता है। एंड नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है लीजेंट्स जो रिप्रेजेंट करता है डेटा सीरीज को। डेटा सीरीज को हम पैटर्न और कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको एलिमेंट समझ में आ गए हो। धन्यवाद।